हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी इन कारणों के कारण लड़की प्यार करने वाले बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखो, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ चीज़ों का रेगुलर बेसिस पे होना बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो इन्हीं चीज़ों को कारण बना के, रीज़न बना के मोस्टली लड़कियां जो हैं ब्रेकअप कर लेती हैं या प्यार करने वाले बॉयफ्रेंड को भी छोड़ देती हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कारण की बात करें तो फर्स्ट रीज़न ये है दोस्तों, देखो अगर रिलेशनशिप में एक पार्टनर जो है चीज़ों को अपने ही नज़रिए से देखता है, अपने ही नज़रिए से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि लड़की जो है आपसे, आपको छोड़ सकती है या ब्रेकअप कर सकती है। क्योंकि दोस्तों देखो, रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों का नज़रिया, दोनों की सोच एक तरह से बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बट वहीं पर अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने नज़रिए से ही चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर कंडीशन ये होगी कि लड़की का मन आपसे बनने लगेगा या वो आपसे बोर होने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको छोड़ देंगे। तो इसीलिए टाइम टू टाइम ये चीज़ें भी करना शुरू करो। अगर आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हो, वो आप ये नहीं चाहते हो कि वो आपको छोड़े या ब्रेकअप करे, तो क्या चीज़ों को उसके नज़रिए से भी देखने की कोशिश करो, जिससे आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ और हेल्दी हो। अगला रीज़न ये होता है जिसकी वजह से मोस्टली लड़कियाँ प्यार करने वाले पार्टनर को भी छोड़ देती हैं, जो अपने और रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। लाइक दोस्तों देखो, अगर आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पार्टनर को लेकर सीरियस रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इस चीज़ की वजह से बोर होने लगेगी, और वहीं अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को लेकर या अपने कामों को लेकर फोकस करोगे तो वहाँ पे भी ये कंडीशन होगी कि आप रिलेशनशिप में तो हो बट आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, लड़की को टाइम नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए एक तरह से आपको दोनों ही चीज़ों को बैलेंस में बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं बना पाते हो तो इससे होता ये कि एक तरह से एक पलड़ा भार भी हो जाता है। लाइक जैसे कि तराजू होता है जिसमें दोनों चीज़ें अगर बैलेंस में हो तो वहाँ पे सही नाप बैठेगा, बट एक चीज़ भारी हो और एक चीज़ कम हो तो इससे क्या है, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप में मेंटेन करनी चाहिए, और मोस्टली लड़के यही नहीं कर पाते हैं कि वो अपने पार्टनर को भी उतना ही टाइम दे, टाइम टू टाइम उनके उनसे बात करें, उनके साथ रहें, और अपने आप को लेकर भी सीरियस हों कि उनका काम क्या है या उनके गोल्स हैं, उनका करियर है, जो भी चीज़ है। तो ये काम भी एक ऐसा होता है जिसकी वजह से मोस्टली लड़कियाँ जो हैं प्यार करने वाले पार्टनर को भी छोड़ देती हैं। इसके अलावा एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से मोस्टली लड़कियाँ प्यार करने वाले पार्टनर को छोड़ देती हैं, ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक टॉक करने वाले बॉयफ्रेंड को। जी हाँ दोस्तों, देखो ये चीज़ एक टाइम पे अच्छी लगती है, ठीक है। मोस्टली लड़कियों को ज़्यादातर नॉर्मली बात करना पसंद होता है, बट क्या है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही रोमांटिक टॉपिक से ऊपर बात करोगे या रोमांस से रिलेटेड बात करोगे तो इससे भी लड़की को ये लगने लगेगा कि आप उनको लेकर सीरियस नहीं हो, ठीक है। बेशक आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लाइक आप जो है अपनी बेसिक नीड के बेसिस पे उनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो ज़्यादा रोमांटिक टॉक करना भी सही नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस कारण की वजह से भी मोस्टली लड़कियां ब्रेकअप कर लेती हैं। एक रीज़न ये भी होता है जिसकी वजह से मोस्टली लड़कियां प्यार करने वाले पार्टनर को छोड़ देती हैं, वो ये है कि अगर उनका पार्टनर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे या उन्हें अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करे कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हारी ये दर्द अच्छी नहीं है, इसे ठीक कर लो, तो वहाँ पर भी क्या है, चांस यही होते हैं कि लड़की धीरे धीरे आपसे बोर होने लगती है और वो आपको छोड़ देती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट हाँ, अगर आपका पार्टनर जो है आपको गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश करेगा, लाइक आपके अंदर कुछ बैड हैबिट है या गंदी आदत है उनको बदलने की कोशिश कर, तो वो एक हद तक ठीक है। बट अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको चेंज करने की कोशिश करें तो ऐसे में भी मोस्टली लड़कियाँ ब्रेकअप करने की डिसाइड कर लेती हैं, ब्रेकअप करने के बारे में सोचती हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।